आपका चैनल पे स्वागत है। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे अभी नए हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि एनएमएस बोर्ड के रिगार्डिंग आने वाली नई से नई वीडियो या नई से नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उस जानकारी का भरपूर लाभ उठा सकें। इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो स्टूडेंट्स एनएमएस बोर्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो एडमिशन से पहले स्टडी सेंटर कैसे चेक करें, या हाउ टू फाइंड लोकेट सर्च एनएस स्टडी सेंटर बिफोर एडमिशन। तो यदि आपने 10th या 12th क्लास में एडमिशन लेनी है, तो आपको एनएस बोर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको कोई भी गाइडलाइन नहीं है, तो आप बेझिझक हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑनलाइन एडमिशन के लिए या फर्दर कोई भी इंक्वायरी के लिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और एनुअल स्टडी के नाम से यदि कोई और चैनल चल रहा है, उससे आप सावधान रहें। कोई और आपको कॉल आती है तो उससे सावधान रहें, क्योंकि हमारा एक ही नंबर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप जैसे कई फर्जी चैनल भी चलते हैं, उससे थोड़ा सावधान जरूर रहें, ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। तो आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं मेन पॉइंट पे, कि एनएस बोर्ड में एडमिशन के लिए स्टडी सेंटर कैसे चेक करें। तो आपने कैसे चेक करना है, सबसे पहले आपने एनएस की वेबसाइट पे जाना है। कौन सी वेबसाइट पे जाना है? sdmis.nis.ac.in वेबसाइट पे जाना है। सभी स्टूडेंट को पता होती है, जो सर्च भी कर लेते हैं, ठीक है। इस स्टूडेंट पोर्टल की वेबसाइट पे आपने चले जाना है, और यहाँ पे आपके सामने जो हमारे वेबसाइट हमने खोल रखी है, तो यहाँ पे स्टडी सेंटर का ऑप्शन दिया हुआ, जिस स्टडी सेंटर के ऑप्शन में नीचे लिखा है सर्च, सर्च पे जाके हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये लोकेट स्टडी सेंटर ये इंटरफेस आपका खुल गया स्टूडेंट पोर्टल पे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके आपने ये जो अलग अलग कॉलम दिए हुए हैं, इसको फिल करना है। जैसे कैटेगरी दी है, कैटेगरी में आपने एकेडमिक एडमिशन लेनी है, मीन्स 10th या 12th में एडमिशन लेनी है, ठीक है, जहाँ वोकेशनल में लेनी है, वो अलग अलग कैटेगरी है। वैसे आपने जो एडमिशन लेनी है वो एकेडमिक के अंडर लेनी है, जहां पे हमने एकेडमिक फिल कर दिया। आगे आ गया साडा, हमारा क्या आ गया, कंट्री। कंट्री में इंडिया, जहाँ अदर कंट्री नेपाल है, कुवैत है, क्योंकि जो एनओएस बोर्ड है वो अदर कंट्री में भी चलता है। तो यहाँ पे हमने इंडिया सेलेक्ट कर दिया, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं। उसके बाद ये आ गया हमारा स्टेट, स्टेट आप का कौन सा स्टेट है वो आप यहाँ पे फिल करोगे, जहां हमने दिल्ली फिल कर दिया, ठीक है, दिल्ली फिल कर दिया। उसके बाद रीजनल सेंटर कौन सा है, रीजनल सेंटर जहाँ पे शो हो रहे हैं दिल्ली 107 और ये एनएस हेडक्वार्टर, तो आपने कौन सा चूज करना है। यहाँ पे हमने दिल्ली 107 फिल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट ये आपको दिखाई दे रहे हैं, सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट और न्यू दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली, चारों में से जो भी आपका पड़ रहा है वो आपने फिल कर देना है। उसके बाद आपको एआई कोड तो पता ही नहीं होगा, क्योंकि आप उसको तो सर्च कर रहे हो, ठीक है। स्टडी मीडियम, यदि आपने स्टडी मीडियम के बारे में आपको पता है, स्टडी मीडियम मीन्स हिंदी या पंजाबी रखना है या इंग्लिश रखना है, तो वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे एआई कोड भरोगे तो ही वो जो है इनेबल होगा। तो टाइप, यदि आपको बस आपने क्या करना है, ये हमने जो मेन कॉलम है वो ही भरने हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो आप कि कैटेगरी के आगे जो स्टार लगा हुआ, जो स्टार वाले कॉलम वो भर देने हैं। भरने के बाद आपने क्या करना है, सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हो, हमने स्क्रीन को नीचे को स्क्रॉल कर दिया है, जहां पे अलग अलग जो सेंटर है, इसको एआई सेंटर बोलते हैं, ठीक है, एआई सेंटर बोलते हैं। जहां पहले लिखा हुआ है नंबर 1 पे बाल मंदिर पब्लिक स्कूल, इसका कोड लिखा है, पर जहां पे क्या लिखा हुआ है, इनएक्टिव। ये क्या है, इनएक्टिव मीन्स नहीं चल रहा, बंद हो गया है, ठीक है, जहां इन्होंने रिन्यूअल जो फीस पे नहीं की है तो बंद हो गया। सेकेंड, ये भी इनएक्टिव है। उसके बाद थर्ड, ये सभी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखो फोर्थ नंबर पे लिखा हुआ है, ये क्या है, एक्टिव। इसका एआई कोड कितना है, 270224, ये क्या है, एक्टिव। आप यदि आप दिल्ली में रहते तो आप ये वाला सेंटर चूज कर सकते हो। ऐसे आपको पहले पता चल जाएगा कि कौन सा सेंटर बंद नहीं हुआ है,
ये चीज का आपको पहले पता चल जाएगा, अदरवाइज नहीं तो वहां पे ये शो हो रहे होंगे तो आपने सेंटर सेलेक्ट कर दिया, वो सेंटर पहले से बंद है, ठीक है, तो आपको दिक्कत भी आ सकती है आने वाले टाइम में। यहाँ पे ये आप चेक कर सकते हो, ये नंबर ऑफ AI सेंटर की लिस्ट दी हुई है जो दिल्ली में पढ़ते हैं, ठीक है, ये मैं आपको स्क्रोल करके दिखा रहा हूँ नीचे को, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो 26 हैं टोटल, जिसमें कुछ एक्टिव हैं और कुछ जो है इनएक्टिव हैं। तो यहाँ पे एक और बात देखने वाली है कि यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे बैलेंस शीट, टोटल शीट लिखा है, और टोटल कितनी सीट्स हैं इनके पास और बैलेंस कितनी बची, मींस की एडमिशन कितनी हो गई है और कितनी बच गई है, ये भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद कोर्स, कौन सा कोर्स है, आपने 10th में ले रहे हो या 12th में ले रहे हो, जहां पे इनके पास है भी है या नहीं भी है, ठीक है ना, ये आपको शो होगा। और मीडियम भी शो होगा, स्टडी मीडियम हिंदी और इंग्लिश है, और जहाँ पे बोथ है मीन्स बॉयज और गर्ल्स एडमिशन ले सकते हैं। साइंस अवेलेबल जहाँ पे क्या है, नो, मीन्स आपने यदि साइंस के सब्जेक्ट रखने हैं तो ये स्टडी सेंटर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, या ये आप नहीं इस स्टडी सेंटर में एडमिशन ले सकते, ठीक है। स्टडी सेंटर में कहाँ पे जाके एडमिशन लेनी है, स्टडी सेंटर में जाके आपने उनसे नहीं एडमिशन लेनी है, आपने अपनी एडमिशन को सेल्फ ऑनलाइन करना है, जहाँ आपका घर में कोई भी बड़ा भाई बहन है जिसको इस चीज की नॉलेज है, ठीक है, तो वो भी आपकी एडमिशन को ऑनलाइन कर सकता है, ठीक है। तो कई स्टूडेंट जाते हैं सीधा ही कैफे में जाते हैं, वहां पे कैफे वालों को कुछ नहीं पता होता, वो कोई NOS के या एजुकेशनल एक्सपर्ट तो होते नहीं है, जैसे जैसे आप बोलते जाते हो आपको भी नॉलेज थोड़ी कम होती है, आपको पूरा पता नहीं होता, या यूट्यूब पे जितना को पता चलता है उतना को बताते रहते हैं, तो वो भी सेम जो कॉलम फिल करते हैं ऑनलाइन एडमिशन के समय, तो वहां पे क्या होता है कि आपकी एडमिशन कंफर्म नहीं हो पाती। तो आप यदि आपने सेल्फ ऑनलाइन एडमिशन करवानी है, मीन्स अपने आप करनी या कैफे में जाके करवानी है, तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एडमिशन ऑनलाइन करवा सकते हो, नहीं तो आपकी एडमिशन कैंसिल भी हो सकती है, रुक सकती है, तो आपके पैसे भी खराब होंगे, आपका एक साल भी खराब होगा, ठीक है। यदि आपने एक बार एडमिशन ऑनलाइन कर दिया, वहां पे रिजेक्शन लग गया या कैंसिल हो गया आपकी एडमिशन, तो आप दोबारा नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारी आती है, हमारे चैनल पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर हमारी एडमिशन अभी कंफर्म नहीं हुई, 15 दिन हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, हमें ये मैसेज आया नोटिफिकेशन, इन्होंने इस चीज की डिमांड की है, इस डॉक्यूमेंट की हमारे पास नहीं है, तो उसका सोल्यूशन क्या करें, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो स्टूडेंट को नहीं पता होती इन द टाइम ऑफ एडमिशन। जो एडमिशन कर देते हैं तो उसके बाद फिर उनको मेल आता है, ठीक है, यदि वो मेल चेक करते हैं या अपना स्टूडेंट में लॉगिन करके चेक करते हैं, तो उनको फिर पता चलता है, कभी कभी ये टाइम जो है जो उन्होंने टाइम दिया होता है 10 या 15 दिन का, वो क्रॉस भी कर जाता है, तो आपकी एडमिशन कैंसिल हो सकती है। तो यदि आपने अपनी एडमिशन को ऑनलाइन करवाना है, तो आप हमारे साथ भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अपनी एडमिशन को ऑनलाइन करवाने के लिए। बाकी आगे देखते हैं, कोई और स्टेट का स्टडी सेंटर चेक करते हैं। एक और, यदि आप कहाँ पे रहते हैं, आपने एडमिशन करवानी है, जहाँ आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो जहाँ पे कि आप कौन सी स्टेट में रहते हो, और आपको स्टडी सेंटर फाइंड करना आता है या नहीं आता, जो आप कर सकते हो। हम कोई और देखते हैं, जहाँ पे हमने कर दिया त्रिपुरा कर दिया, ठीक है, त्रिपुरा में, जहाँ पे त्रिपुरा के अंडर जहाँ पे रीजनल सेंटर कोई नहीं आ रहा, ठीक है, देखते हैं जहाँ पे सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट जो है, सिलेक्ट जहाँ पे त्रिपुरा का रीजनल सेंटर नहीं है, वो कहीं और होगा, कंबाइंड होगा, ठीक है, जहाँ पे हमने ये भर दिया डिस्ट्रिक्ट ढलाना ढलाई जो भी लिखा है, ठीक है ना, और सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया। सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करते हो तो नीचे ये आ गए, जहाँ पे जो अलग अलग हैं, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय है, इनका इनएक्टिव है, ठीक है, हमने नीचे को स्क्रॉल किया है, ये अलग अलग जो सेंटर हैं, ये देखो आपके पास ये 2 एक्टिव हैं, 3 एक्टिव हैं, ठीक है ना, ये 3 एक्टिव हैं, बाकी इनएक्टिव हैं, तो आपको इनमें से कोई एक जो फर्स्ट चॉइस होती है, वहां पे जो आप एडमिशन करते हो तो वहां पे आपके से चॉइस मांगी जाती है NOS बोर्ड के पोर्टल पे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यदि 2 होंगे तो फर्स्ट सेकंड हो गया, यदि 3, 4 या 5 या 10 हैं, 15 हैं, जितने भी हैं, तो वहां पे अपनी फर्स्ट सेकंड और थर्ड चॉइस अपनी सबमिट करनी है, और जो चॉइस आपकी फर्स्ट होती है
तकरीबन वो ही आपका एआई सेंटर जो है एप्लीकेबल हो जाएगा, मीन्स आपको वो ही मिलेगा। ठीक है, तो आप ऐसे अपना जो एआई सेंटर है आप फाइंड आउट कर सकते हो वेबसाइट पे जाके। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और उन स्टूडेंट के साथ शेयर जरूर करें जिनने अभी 10th या 12th में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं, वो अपना जो स्टडी सेंटर है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के जरिए चेक करके अपनी एडमिशन ऑनलाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दें, धन्यवाद।